आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश भर में अमृत पैक्स 2023 अभियान चलाया गया था। वहीं शिमला में भी दो दिन छोटी कन्याओं के सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाते खोले गए। इस अभियान के तहत जिन पेरेंट्स ने अपनी कन्याओं के खाते नहीं खुलवाए हैं, उनसे संपर्क कर खाते खुलवाए गए हैं। जनरल पोस्ट ऑफिस के निदेशक विशन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल में हर एक डाकघर में 10 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं के खाते खुलवाए गए हैं। शिमला जिला में 2000 के आसपास खाते खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि इसी उपलक्ष में छोटी बालिकाओं को पासबुक वितरण करने के लिए शिमला मंडल की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में सुकन्या समृद्धि के अंतर्गत खाते खुलवाने के लिए डाक विभाग की ओर से कैंप्स लगाकर लोगों को जागरूक किया गया। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विकास अधिकारी, पंचायत प्रधान, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का भी सहयोग लेकर सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाते खुलवाए गए हैं। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश परिमंडल के लिए 13,975 खाते खुलवाने का टारगेट रखा गया था, जिसे अचीव करते हुए 21,498 खाते खोले गए हैं। ये दो दिनों का एक सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स ओपनिंग का एक ड्राइव चला है, जिसमें पूरे हिमाचल में हर एक डाकघर में ये कोशिश की जा रही है कि जितने भी जो बालिकाएं एलिजिबल बालिकाएं 10 साल से कम उम्र के उनके सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोले जाएं। उसी क्रम में हिमाचल में भी लगभग 21,500 के आसपास अकाउंट्स खुल चुके हैं अभी, और अभी भी वक्त है, अभी एक दो घंटा और है, शाम तक और भी इस संख्या में वृद्धि होने का अनुमान है। और जहां तक हम शिमला की बात करें, शिमला डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो इन्होंने भी लगभग 2000 अकाउंट्स यहां पर खुल चुके हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में, लगभग 2000 के आसपास, और शाम तक कुछ और भी बढ़ेगा। और उसी उपलक्ष में उन बालिकाओं को पासबुक वितरण करना, उनका सम्मानित करने के लिए फंक्शन का आयोजन किया गया है। सर, अक्सर ये देखा जाता है कि जो तो शहरी क्षेत्र है वहां पर तो अकाउंट वगैरह ठीक मात्रा में जो खुल जाते हैं, लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं, क्योंकि हिमाचल में काफी ग्रामीण इलाके हैं, तो वहां पर किस तरीके से जागरूक कर रहे हैं सर? ग्रामीण क्षेत्र में हिमाचल, सबको पता ही है कि हमारा 90% आबादी जो गांव में रहती है, ग्रामीण क्षेत्रों में सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स के जो खुलवाने के लिए हमने डिफरेंट पोस्ट ऑफिसेज में डिफरेंट स्टाफ्स के माध्यम से हमने कैंप्स लगाए हैं। कुछ कुछ क्षेत्रों में राज्य सरकार के सहयोग भी लिया गया है, जो वहाँ उनके समय के जो बाल विकास अधिकारी होते हैं, ग्राम पंचायत है, वहाँ पे प्रधान है, सरपंच है, या आंगनवाड़ी वर्कर है, या दूसरे जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, उनके माध्यम से गांव, छोटे छोटे गांव में, दूर दराज के गांव में कैंप्स लगाए गए हैं, उनको अवेयर किया गया है। और मुझे ये बताने में बहुत खुशी होती है कि जितने भी जो अकाउंट्स खुले हैं वो मैक्सिमम ग्रामीण लोग, ग्रामीण स्तर के हैं, क्योंकि शहरी आबादी में सामान्यतः अकाउंट्स थे, ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारा भी एक पोटेंशियल मार्केट था, उन्हीं के अकाउंट्स मेजॉरिटी में ग्रामीण क्षेत्रों में ही सुकन्या के अकाउंट्स खुले हैं। ये एक बहुत ही एक समेकित उद्देश्य को लेकर यह अभियान चलाया गया है। हम सबको पता है कि संपूर्ण भारत में आजादी का जो अमृत महोत्सव के बाद जो अमृत काल का समय चला है, उसी संदर्भ में डाक विभाग की तरफ से भी विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी ये आयोजन किया जाएगा, हमारा एक राष्ट्रीय स्तर पर फिलेटली एग्जीबिशन होना है, तो उसी के क्रम में सुकन्याओं को विभाग से जोड़ने के लिए, सुकन्याओं को वित्तीय इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन से जोड़ने के क्रम में ये आयोजन किया गया है। अभी कितना टारगेट रखा गया और कितना अचीव किया गया है, लगभग कितने अकाउंट अभी तक खोले गए? हिमाचल को, हिमाचल प्रदेश परिमंडल के लिए जो टारगेट दिया गया था, 13,975 अकाउंट्स का टारगेट दिया गया था, और उसके क्रम में हमने अभी लगभग 21,498 अकाउंट्स खोल चुके हैं। हम टारगेट का भी 153% हमने अचीव किया है, और अभी भी मुझे उम्मीद है कि अभी भी जो 5 बजे तक का टाइम है उसमें हम और अकाउंट्स खुलेंगे, तो जो हम टारगेट्स को तो हमने बहुत पहले ही सरपास कर लिया है, और हमारा उद्देश्य है कि हम आगे भी और अकाउंट्स और खोलेंगे।